अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्न अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी रहमा व अला आलिका अस्हाबिका या रसूल अल-मलाहम। तमाम हमदो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ाते बाबरक़ात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी। अल्लाह जल्ला व आला की हमदो सना के बाद रसूल रहमत, शफ़ीए मुअज़्ज़म, नबी मोहतशम, अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए ग़यूब, मालिक रक़ाब उमम, फ़ख़्रे अरब व अजम, वालिए कौनो मकां, सयाह ला मकां, सैयदे इंसो जां, सरवरे लाला रुखां, नैयरे ताबां, सरनशीन महवशां, माह खूबां, शहनशाह हसीना, ततिम्माए दौरां, सर खैल ज़ोहरा जमाला, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ाते लम यज़ल, बाइस तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, नैयर बतहा, राजदार मा ओहा, शाहिद मा तग़ा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम, ज़वील एहतशाम, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मोहतशम सामेईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक मुकम्मल, कामिल और अकमल ज़ाब्ता-ए हयात है, जो ज़िंदगी के हर शोबे में हमें रहनुमाई फराहम करता है। इंसानी ज़िंदगी में जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकाह को मशरू किया गया है। निकाह के जुमला मकासद में से बुनियादी मकसद हुसूल औलाद है। निकाह के दीगर मकासद में से तस्कीन क़ल्ब और तस्कीन ज़हन है। नस्ल इंसानी की बका के लिए निकाह किया जाता है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज फ़मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। ऐ जवानों के गिरोह, तुम में से जो इस्तताअत रखता है वो निकाह करे, चूँकि ये नज़र और पारसाई का मुहाफ़िज़ है। और अगर तुम में से कोई निकाह की फ़िलहाल ताकत नहीं रखता तो वो कसरत के साथ रोज़े रखे, इसलिए कि रोज़े ख्वाहिशात को तोड़ते हैं। तो जब इंसान निकाह की उम्र को पहुँच जाए और हालात, वसाइल उसका साथ देते हों, तो उसे निकाह करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। निकाह कभी सुन्नत होता है और कभी वाजिब हो जाता है। अगर इंसान के बुराई में पड़ जाने का गालिब अंदेशा हो तो निकाह करना वाजिब और ज़रूरी हो जाता है, और अगर इस्तिताअत बदनी ना हो तो फिर निकाह करना मकरूह होता है। हुजूर ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। अन निकाहो मिन सुन्नती फमन राग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदियल्लाहु ताला अन्हो ये जन्नतुल बकी के पहले मदफून है, तो ये कसरत के साथ इबादत जिक्र अज़कार करने वाले थे। तो इनकी इबादत की कसरत की वजह से जब ये विसाल पाते हैं तो हुजूर ने इनकी कब्र के ऊपर एक भारी पत्थर रखा था, और सहाबा फरमाते हैं हम में से जो सबसे बड़ी छलांग लगाता था वो इस पत्थर को अबूर कर सकता था, वरना आम आदमी उससे छलांग नहीं लगा सकता था। हमारे बुजुर्गों ने कब्रों के ऊपर जो गुंबद बनाने की दलील ली है वो यही ली है कि उस जमाने का मज़ार ये था। चूंकि ये ख़ास नेकोकार शख्स थे और सहाबा में नमाया इनका जिक्र फ़िक्र और इबादत का मामला था, तो इनकी कब्र को ख़ास तौर पे निशान ज़दा किया गया। तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की, तबत्तुल की कि निकाह ना करूं और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दूं, लेकिन हुजूर ने इनको मना फरमा दिया। हुजूर ने निकाह फरमाए हैं और मुतअद्दिद निकाह फरमाए हैं, इसलिए इस शरीयत में रुहबानियत का तसव्वुर नहीं है। ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है। तो निकाह करना हुजूर की सुन्नत है और इसका बहुत सारा अजर रखा गया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया तज़व्वजुल वुदूद अल वुलूद, मोहब्बत करने वाली और कसरत के साथ बच्चे जन्म देने वाली ख़वातीन के साथ निकाह करो, ताकि कल क़यामत के दिन कसरत उम्मत की वजह से मैं नबियों में फ़ख्र करूं। अब निकाह क्यों किया जाता है? हदीस में आता है कि चार वजह से निकाह किया जाता है। ले मालेहा, ले हस्बेहा, ले जमालेहा, ले दीनेहा। किसी खातून से निकाह उसके माल की वजह से किया जाता है कि वो मालदार बहुत है तो मेरे हाथ भी माल आ जाएगा, या उसके हस्बो नसब की वजह से किया जाता है कि आली मर्तबत खानदान से मेरा रिश्ता इस दिवाज का कायम हो जाएगा। हमारे देहातों में कहते हैं कि बाजू बन जाएंगे। और तीसरी वजह ले जमालेहा, औरत के हुस्न व जमाल की वजह से कल्ब का, दिल का मैलान और रुझान होता है और निकाह किया जाता है। और चौथी वजह ले दीनेहा, किसी के दीन की वजह से निकाह किया जाता है। और हुजूर ने फरमाया दीन की वजह से निकाह करने वाला कामयाब है। यहूदी अमूमन माल की वजह से निकाह करते हैं, ईसाई हुस्न जमाल की वजह से निकाह करते हैं, और मुस्तफ़ा के गुलाम दीन की वजह से निकाह करते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया जब तुम्हें कोई पैगाम निकाह भेजे और तुम्हें उसका दीन और उसके अखलाक पसंद हों तो फिर इनकार न करो, निकाह कर दो। तो निकाह का सबब दीन है, क्योंकि जिससे आप निकाह कर रहे हैं उसने सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं बनना, कल तुम्हारे बच्चों की मां भी बनना है। अबुल अस्वद अद्दौली, ये बहुत बड़ा अरब का शायर हुआ है। एक दिन अपने बच्चों से कहने लगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हारे पैदा होने से कबल और तुम्हारे पैदा होने के बाद। तो बच्चों ने कहा कि हमारे पैदा होने के बाद आपने हमारे ऊपर जो एहसानात किए हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन हमारे पैदा होने से पहले आपने हमारे ऊपर कौन से एहसानात किए हैं। तो अबुल अस्वद अद्दौली कहने लगा कि मैं जब अपने लिए निकाह के लिए खातून तलाश करने लगा तो मैं एक शायर हूं, तो मेरी तबा में यह था कि मैं खूबसूरत खातून से निकाह करूं, लेकिन मैंने फिर यह सोचा कि मैं अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम ना रखूं, मैं उस खातून को तलाश करूं जो कल मेरे बच्चों की अच्छी मां बन सके। तो मैंने जब तलाश की तो अच्छी बीवी के हवाले से तलाश नहीं की, तुम्हारे लिए अच्छी मां की तलाश की है, और ये मेरा वो एहसान है जो तुम्हारे पैदा होने से कबल मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीजें इंसान की खुशबख्ती से हैं, अच्छा घर, अच्छी बीवी और अच्छी सवारी। अगर ये तीन चीजें किसी को मुयस्सर आ जाएं तो वो इंसान की खुशबख्ती है। ये भी इरशाद फरमाया, दुनिया मता है और दुनिया का बेहतरीन मता सालिहा औरत है। और सालिहा औरत की तारीफ ये की गई कि मर्द जब उसको देखे तो खुश हो जाए और जब वो हुक्म दे तो वो अताअत करे और जब वो घर से चला जाए तो उसकी इज्जत और उसके माल की हिफाजत करें। तो जिसमें ये खूबियां हो वो साले खातून है, अच्छी खातून है और अच्छी बीवी है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दवाजी जिंदगी के हुस्न पर कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि औरत के बीवी के मिजाज से आपको मुवाफकत नहीं है, उसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हैं तो उसकी कुछ ऐसी आदतें भी होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। तो उधर बीवी को यह इरशाद किया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं खातून को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा किया करे। अगर खातून इसको मद्देनजर रखे तो शौहर को शिकायत पैदा नहीं हो सकती, और अगर शौहर इस हदीस को मद्देनजर रखे कि इसकी कुछ आदतें मुझे नापसंद हैं तो कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो मुझे पसंद हैं, ये माँ बाप का घर छोड़ के आई है, मेरे लिए वतन छोड़ा है, अपना आबाई घर छोड़ा है, बहन भाइयों को छोड़ के मेरे लिए वक्फ हो गई है, तो ये चीजें यकीनन मर्द के लिए उस औरत की मोहब्बत को पैदा करने के लिए काफी हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स निकाह करता है तो शैतान वावेला करता है कि इसने अपने आप को मुझसे बचा लिया। चूंकि शैतान का बहुत बड़ा जाल ये है कि वो रेशमी जाल फेंक के इंसानों को फांसता है, तो जब कोई निकाह करता है तो वो परेशान हो जाता है। और एक हदीस में ये भी इरशाद फरमाया गया कि जब कोई शख्स निकाह करता है उसके आधे दीन की हिफाजत अल्लाह ने कर दी और बाकी आधे दीन के बारे वो अल्लाह से डरे। निकाह एक अहद है, एक पैमान है जो जिंदगी गुजारने का ज़ौजैन के दरमियान होता है। और शरीयत इस्लामिया में अन्निकाहो यन्आकिदु बिल ईजाबे वल कबूल लफ्ज़न बिहुजूर शाहिदैन बालिगैन आकिलैन हुर्रैन मुस्लिमैन, दो आकिल बालिग मर्द आज़ाद मर्द या एक मर्द और दो मर्दों की मौजूदगी में इजाब और कबूल का नाम निकाह है। और इस निकाह में मेहर मुकर्रर किया जाए और वो मेहर मर्द की हैसियत के मुताबिक हो। हम शादी में लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन जब मेहर की बारी आती है तो उस वक़्त हमें 32 रुपये और 10 आने याद होते हैं, जबकि इतने पैसे तो बच्चा भी नहीं लेता। और ये मेहर हक़ बुदा है, ये औरत का हक़ है। तो ये कुशादगी के साथ हक़ मेहर पेश करना चाहिए और औरत का हक़ है। दो गवाहों का मौजूद होना और फिर निकाह एलानिया होना चाहिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आलिनु हाजन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि निकाह का ऐलान करो और इसे मस्जिदों में मुनअक़िद करो। निकाह के ऐलान के जो मकासद हैं वो बच्चा बच्चा जानता है, ताकि जब ज़ौजैन चलेंगे आएंगे कहीं बैठेंगे तो लोगों को पता होगा कि इनका निकाह हुआ है, कोई शक की नज़र से नहीं देख सकेगा। और दूसरा इरशाद फरमाया, इसको मस्जिदों के अंदर मुनअक़िद करो। और पहले निकाह मसाजिद में ही हुआ करते थे, लेकिन फिर जूं जूं मरूर ज़माना के साथ तब्दीली आई तो एक तब्दीली ये भी आई कि निकाह मस्जिदों में ना होने लगे। ईसाइयों में आज भी जोड़ा गिरजाघर में जाता है और पादरी को उनके पास नहीं आना पड़ता, बल्कि वो वहाँ जा करके इबादत खाने के अंदर अपने गिरजाघर के अंदर जाके निकाह करवाते हैं। तो आज भी निकाह की बरकतें हासिल करने के लिए हम इसको मसाजिद के अंदर मुनअक़िद करने का जो शरी हुक्म है उसकी पाबंदी करें तो निकाह के अंदर बहुत सारी खैर और बरकत पैदा होगी। आसान निकाह फरमाया गया है वो है जिसके अंदर अखराजात बहुत कम आए। हमने निकाह को मुश्किल बना लिया हुआ है और इसके साथ इतने लवाजमात पैदा कर दिए गए हैं कि इस ज़माने के अंदर बदी आसान हो गई है और निकाह मुश्किल हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह देखिए और उनको जो जहेज हुजूर ने दिया है उसको देखिए और ज़िंदगी को सहल बनाने की कोशिश कीजिए। आज जिसके यहाँ 4 बेटियाँ पैदा हो जाती हैं उसकी नींद उड़ जाती है। एक तो ये कि अच्छे रिश्ते मुयस्सर आना मुश्किल। दूसरा मरहला बेटों की तरफ से बेटे वालों की तरफ से एक लंबी फहरिस्त होती है कि हमें ये दिया जाए। बाज़ लोग बोलते नहीं, लेकिन वो किनारे में इशारे में बता देते हैं। और अगर उनकी डिमांड पूरी ना की जाए या उनकी जो तवक्कुआत हैं उनको ना समझा जाए तो बेटी ससुराल में जाके सुख की जिंदगी नहीं गुजार सकती। और मुआशरे का कितना कमीना शख्स है वो जो किसी की बेटी को इसलिए तंग करता है कि वो जहेज नहीं लेके आए या वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तवक्को के मुताबिक जहेज नहीं लाई। शरीयत इस्लामिया ने तो निकाह को आसान करार दिया और ये जो हम इतनी लंबी चौड़ी बारातें लेकर के चले जाते हैं बेटी वालों के घर में, तो इस्लाम में तो इसका ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। 5-5, 6-6 सौ लोग बेटी वालों के यहाँ चले जाते हैं और जिस तरह किसी महाज पे जा रहे हैं। निकाह फिल मसाजिद का रवाज अगर डाला जाए तो हमारी जिंदगियां सौखी हो जाती हैं। ये जो मुरव्वज सिलसिला है इससे गरीब लोग तो परेशान हैं ही, अमीर लोग भी सुख में नहीं हैं। आज एक एक करोड़ रुपया शादी पे खर्च आ रहा है और जिसकी चार बेटियां हैं वो सारी जिंदगी इसी काम में ही लगा रहता है। और गरीबों की जिंदगी तो अजीरन है। गरीब की बेटियां सुगड़ हैं, समझदार हैं, संजीदा व मतीन हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसीरत हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन उनके रिश्ते कबूल इसलिए नहीं किए जा रहे कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। और अब एक सिलसिला चला जहेज फंड का और इज्तिमाई शादियों का, तो शायद किसी के लिए इसमें तस्कीन हो, लेकिन मैं तो एक मर्तबा ऐसी तकरीब में गया हूं तो दुखी होकर आया हूं। हर शख्स का अपना मिजाज होता है, मुख्तलिफ तंजीमात, मुख्तलिफ लोग गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादियां कर रहे हैं। तो मैं एक तकरीब में मुझे खींच के कुछ लोग ले गए। मैंने कहा मुझे तजुर्बा तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए तकलीफ का सामान होगा, और दोस्त जिस मकसद के लिए मुझे लेके जा रहे हैं तो उनका मकसद भी पूरा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ, एक हाल में 15 से 20 बच्चियां थीं और दूसरी जानब 15 से 20 बच्चे थे, और उनके मेहमान, उनका हुजूम था, और स्टेज के ऊपर जो कुर्सियां लगी थीं उन पर मुखय्यर हजरात बैठे हुए थे जिन्होंने सरमाया लगाया और जहेज फंड दिया, और तंजीम के लोग आके अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे। तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मैं दुआ कर देता हूं, लेकिन उनका असरार बढ़ा। तो मैंने माइक पे आके कहा कि इंसान की जिंदगी में 3 मौके होते हैं जिस दिन वो मेहमान खुसूसी होता है और सब लोगों की नजर उसी के चेहरे पे होती है। एक, जब वो पैदा होता है तो काला कलोटा भी हो तो सारी बस्ती उसका मुंह देखने आती है और उसे बहनें चांद कह के पुकारती हैं, चाहे उसका रंग गहरा स्याह क्यों ना हो। दूसरा मौका इंसान पर उस वक्त आता है जब वो दूल्हा बनता है, तो सारे लोग उसी को देखते हैं और वो निगाहों का मरकज होता है और चीफ गेस्ट वही होता है। और तीसरा वक्त उसके ऊपर तब आता है जब वो चिट्टा लट्ठे का लिबास पहनता है तो सारा शहर उसका मुंह देखने आता है। तो मैंने कहा इन गरीब लोगों से आज तुमने ये हक भी छीन लिया। आज मुखय्यर हजरात को ऊपर बिठाया और इनको नीचे बिठाया हुआ है, इसलिए कि ये गरीब हैं। और किसी के चेहरे के ऊपर मैंने कहा खुशी के आसार नहीं नजर आ रहे, उदासियां हैं, और इतने लोगों को इनकी गुर्बत का गवाह बना रहे हो। एकदम सुकूत तारी हो गया हाल पर, क्योंकि मुझसे वो कुछ ऐसी बातें सुनना चाह रहे थे जिससे उनको दाद मिलती। मैंने कहा तुम्हारे जज्बे अपनी जगह पे, लेकिन काश के रात के अंधेरे में इन बेटियों के माँ बाप को तुमने कुछ पेश किया होता और ये अपने घर से रुखसत होती तो अर्श वाला रब बड़ा राजी होता। लेकिन बुरा करे नमाइश का कि हमने उन बेटियों का तमाशा लगा दिया। मैं एक शहर में गया तो वहां आजकल वो पहले था ना उम्रे के टिकट महफिल नात में, तो आहिस्ता आहिस्ता मजमा सिमट गया। तो अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जहेज की पर्चियां निकाली जाएंगी। तो इसी साल आपके कुरब में एक जगह 10 के 15 जहेज फंड थे, तो मुझे खिताब करने के लिए उन्होंने कहा, तो बड़े शौक से मुंतज़िम महफिल ने बताया कि 15 बच्चियों का जहेज भी निकाला जाएगा और इस पर्दे के पीछे हजारों बच्चियां बैठी हुई हैं। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जुल्म ना करो, ये ज्यादती ना करो। तुम्हारे पास 100 लोगों का खाना है तो 500 लोगों को ना बुलाओ, कि तुम कुरा अंदाजी करके 100 आदमियों को खाना दे दो और 400 आदमियों को कहो कि तुम्हारा नाम नहीं निकला। तुम्हारे पास 100 का खाना है तो 100 को ही पर्दे से बुलाओ और उनको खाना खिला दो। मैंने कहा 10,000 बेटियां इस पर्दे के पीछे बैठी हैं आपके बकौल, और आप उनमें से चंद को कुरा अंदाजी के जरिए जहेज फंड दे रहे हैं। हर पर्ची पे 10,000 बेटी का दिल धड़केगा कि शायद मेरे मुकद्दर जाग पड़े और गमों की सियारात खत्म हो गई। लेकिन जब आखिरी पर्ची के बाद ऐलान किया जाएगा कि कुरानंदाजी मुकम्मल हो गई, तो कितनी बेटियां घरों में जब वापस जा रही होंगी तो तुम नहीं जानते उनके कदम कितने बोझल होंगे। और रसूलुल्लाह का मीलाद हो और बेटियां आंसू बहाती हुई जाएं। तो मैंने कहा तुम खुशियां खरीदने लगे थे, गम खरीद लिए तुमने। खुशियां बांटने लगे थे, गम बांट लिए तुमने। तो ये ज्यादती ना करो। ये जो रवाज पड़ रहा है ये अपनी नुमाइश के लिए। खुदारा आगे तुमने उम्रे के टिकट बांटे, बहुत कुछ किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और क्या क्या रंग अपनाए गए। मैंने कहा वो अच्छा था, चलो मुझे उस पर भी बात है, लेकिन चलो मैं नहीं करता, लेकिन ये जुल्म ना किया जाए कि महाफिलनात में मजमा इकट्ठा करने के लिए जो है वो गरीबों की बच्चियां बला करके तो 10 को आप दे के बाकियों कहें कि माजरत हमारे पास इतना ही था। तो आपके पास 100 का खाना है, 100 का पानी है, तो 500 प्यासों को ना बुलाएं, 500 भूखों को ना बुलाएं, 100 को ही बुला करके पर्दे से जो है वो उनकी मदद करें। तो मैं ये कहता हूं कि हम जहेज फंड देने की बजाय ये जब तक ये हालात खत्म नहीं होते हमें खुफिया तौर पर यह भी करना चाहिए। लेकिन सारी कौम इधर लग गई है, तो इसकी बजाय हमारे उलमा को, जुम्मेदार को, ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये जो टॉकिंग होती है इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि इस रस्म को ख़त्म किया जाए और मुआशरे की तरबियत की जाए कि बेटियों का रिश्ता इसलिए कबूल किया जाए कि वो दीनदार हैं, वो पर्देदार हैं, वो सुगड़ हैं, वो पढ़ी लिखी हैं और उनके अखलाक अच्छे हैं। ये मायार बनाया जाए, दौलत को मायार ना बनाया जाए। इस तरह मुआशरे पिस जाएंगे और मुआशरे के पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। और आज अंदाजा नहीं है हमको कि जिसकी बेटियां घर की दहलीज पर जवान, उसकी जिंदगी कितनी कठिन गुजर रही है। कोठे ते चढ़वेख फरीदा ते कर कर बल्दी अग, मैं जाता दिल दुखी मेरा पर दुखी सारा जग। तो पूरा मुआशरा इस वक्त इस अजियत से, इस कुड़न से गुजर रहा है कि बेटियां जवान हैं और रिश्ते नहीं मिल रहे, और फिर अगर रिश्ते मिल रहे हैं तो बेटे वालों के नखरे ही बड़े अजीब हैं। और फिर जिस तरह वो बेटियों को, गरीबों की बेटियों को लोंडियां बना के अपने घरों में रखते हैं, तो ये एक अलग दर्द की और दुख की कहानी है। मेरे पास लोग आते हैं, दुआ कीजिए कारोबार नहीं है, मुआशी बहरान है, माली परेशानियां हैं, बच्चे के इम्तिहान सर पे हैं, बहुत सारे मसाइल लेकर लोग आते हैं। लेकिन कोई नहीं, लोग हौसले से मसाइब का मुकाबला करते हैं, काटते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं दुआ के लिए, तो बात करते ही आंखें छलकने लगती हैं और मेरा दिल भी काबू में नहीं रहता। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ करो, बेटी ससुराल में दुखी है, अल्लाह सुख दे दे। तो मैं दुआ भी करता हूं, लेकिन मैं तन्हाई में जाके रोता हूं कि इस दर्द का मदावा क्या है, इस दुख का इलाज क्या है। और मुआशरा तेजी से इस तकलीफ की तरफ बढ़ रहा है, और तलाक की शरह भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मेरे पास एक दिन एक साहिब आए, साथ उनकी बीवी थी, और मैं नहीं जानता हूं, इज्जतदार लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई तन्हाई में बात करना चाहते हैं। तो उनके अपने अजीज थे, बेटियां उस शख्स की ज्यादा हैं, अपने अजीजों में शादी कर दी। तो उस वक्त उन्होंने तय कर लिया कि कोई बात नहीं, हम जहेज नहीं लेते। लेकिन वो बाप बिलक बिलक के मुझे कह रहा था कि कितने दिनों से मेरी बेटी घर आके बैठी हुई है, और वो कहते हैं कि उतनी देर वापस ना आना जब तक तेरा जहेज पूरा नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूं कितना सफाक मुआशरा हो गया है और कितने कठिन हालात हो गए हैं। तो जब मुआशरा इस कैफियत में चले जाए तो फिर अनारकी फैलती है और मुआशरे फिर कायम नहीं रहते। तो कितनी बाप की दहलीज पर बूढ़ी होने वाली बेटियां, उनकी सिसकियां, उनकी आहें और उनकी चीखें इस मुआशरे को बेचैन की हुई हैं। तो अमीर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के दुख बांट लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फक्कू रक़बह और इतामुन फी यौमिन जी मसग़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना ये बड़ी नेकी है। तो इस वक्त गरीब की बेटियों का रिश्ता कोई कबूल नहीं करता। अगर कोई नौजवान और अगर कोई सरमायादार गरीबों की बेटियां कबूल कर ले तो ये उसकी मेहरबानी होगी, और अगर ये नहीं कर सकता तो कम अज कम उन बेटियों की शादियों का एहतमाम किया जाए, लेकिन ये मेहरबानी की जाए कि गरीबों की बच्चियों को नमाइश गाह में ना खड़ा किया जाए और उनकी गुर्बत का तमाशा ना बनाया जाए। रात की तन्हाई में उनके माँ बाप की खिदमत की जाए ताकि वो अपनी बेटियों को इज्जत से उठा सकें। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया व रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालहू मा तुन्फ़िक़ु यमीनुहू, जिस शख्स ने तन्हाई में खैरात की कि दाएं हाथ ने जो खर्च किया बाएं को पता भी न चला, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह उस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। तो ये जो इज्तिमाई शादियों का माहौल है, तो अगर इसको हम इसमें तब्दील कर लें कि गरीबों की इज्जत नफ्स मजरूह ना होने पाए, तो अल्लाह ताला ये तौफीक नसीब फरमाए और मुआशरे के अंदर ऐसे लोग निकलें जो मुआशरे के दुख बांटते हैं। और उलमा को मिंबर व मेहराब से जोरदार आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो रस्म पैदा हो गई है जहेज की, और इसके बगैर बेटियां घर से रुखसत नहीं हो सकती हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए और इसके खिलाफ अमली जिहाद किया जाए, और उसके लिए अमीर लोग नमूना बने। गरीब लोग तो नमूना बन नहीं सकते, मुश्किल है उनके लिए, लेकिन अमीर लोग अगर नमूना बने तो वो बन सकते हैं और मुआशरे के इस नासूर को ख़त्म किया जा सकता है। और गरीबों की बेटियां इज्जत से अपने पिया घर सधार सकती हैं और उनको जो है उनके माँ बाप को तस्कीन की और चैन की नींद आ सकती है। आज मैंने निकाह के हवाले से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन उन्वान इधर चला गया, चूंकि ये एक सुलगता हुआ मसला है और हमारे मुआशरे को काट रहा है और तोड़ रहा है। एक तो घरों की दहलीज पे बेटियां बूढ़ी हो रही हैं, और दूसरा शरा तलाक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करता, सिर्फ दो चार बातें कि तलाक अगरचे मर्द का शरी हक है, और अगर निभा ना होता हो तो तलाक देना नागुज़ीर हो जाए तो तलाक देना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बर्दाश्त करता रहे तो कयामत के दिन रब की रहमतों का हकदार होगा। जायज कामों में जो सबसे नापसंदीदा अमर है वो तलाक है, और जब कोई शख्स तलाक देता है अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। इमराए मर्दूदा उस खातून को कहते हैं जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और वो इस काबिल नहीं है कि उसका दोबारा निकाह हो सके। पहले ही बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, बदसूरत थी, जहेज नहीं ला सकी थी, तो पहले बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, अब तलाक हो गई तो अब तो और ज्यादा इम्कान मुश्किल हो गया। तो वो अपने बाप की दहलीज पे बैठ गई, आगे निकाह का इरादा भी नहीं है चूंकि इम्कान बाकी नहीं है। उस औरत को शरीयत में कहते हैं इमराए मर्दूदा, लुटाई गई खातून। हदीस में आता है कि कल इस खातून के बाप को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम का हुक्म होगा, तो ये जहन्नम और अपने बाप के दरमियान आड़ बन के खड़ी हो जाएगी और रब से बहस करेगी कि मेरे मालिक, तू ना मुझे अकल दी, ना तूने मुझे शक्ल दी। ससुराल ने कबूल न किया और खामन ने दुत्कार दिया। ये एक बूढ़ा बाप ही था जो मजदूरियां कर करके मेरा पेट पालता रहा, इसके बड़े गुनाह होंगे, लेकिन मालिक मैं तो इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अल्लाह से लड़ाई करेगी, बहस करेगी, अल्लाह अकबर, उलझाव पैदा कर देगी। हदीस में आता है अल्लाह उस खातून की सिफारिश मान के उसके बूढ़े बाप को जन्नत अता फरमा देगी। अगर तलाक देना नागुज़ीर हो जाए, बहुत जरूरी हो जाए तलाक देना और उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर भी 3 तलाकें इकट्ठी ना दें। एक तलाक दे दें, और एक तलाक देने का फायदा यह होगा कि 3 महीने के बाद औरत फारिग है, आगे निकाह करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन अगर 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद उसने आगे निकाह नहीं किया, तो दोबारा इनका प्रोग्राम निकाह का हो जाता है, तो फिर वापस आना आसान होता है। तो लोग यकमुश्त 3 तलाकें दे देते हैं और फिर मसला पूछते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ कसरत अहनाफ की है और वाज़े अहकाम जो शरीयत के हैं, वो 3 इकट्ठी तलाकें अगरचे नापसंद हैं, लेकिन 3 तलाकें इकट्ठी 3 ही हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद अपना मसलक बदलने की कोशिश करते हैं, या जो है वो ऐसे लोगों से फतवा देते हैं जिनका ये फतवा नहीं है, और एक अजीब उलझन में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अगर नागुज़ीर हो जाए तलाक देना, तो फिर भी एक तलाक देनी चाहिए। जो 3 तलाकों से हासिल होगा, औरत से अलग होना, वो 1 तलाक से ही हासिल होगा। और 1 तलाक भी तोहर की हालत में देना चाहिए, आलमे हैज में नहीं, क्योंकि इन दिनों के अंदर मर्द का रुझान औरत की तरफ ज्यादा होता है। इसलिए शरीयत ने तोहर में तलाक देने का हुक्म दिया है अगर कोई तलाक देना चाहे। लेकिन अगर कोई हैज में तलाक दे दे तो फिर भी तलाक हो जाएगी। 3 इकट्ठी दे दें फिर भी तलाक हो जाएगी। लेकिन 1 तलाक, और वो भी तोहर में अगर दी जाए, हाँ महीने महीने के वक्फे के बाद दी जाए, तो फिर भी मौका मौजूद होता है। तो अमूमी तौर पे लोग 3 तलाकें इकट्ठी दे के बाद में परेशान होते हैं, जो कि तलाक देने के बाद फिर पोजीशन सोच की और गुमान की और होती है। तो ये ज़रूरी बातें थी। कार माँ आखिर शुदो, आखिर से माँ कार नशुद, मुश्ते खाके माँ गुबारे कूचा यार नशुद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना। आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना,